इस देश में दलित समाज 22% आता है और ब्राह्मण समाज भी 20% है, उसका प्रश्न नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात बताइए कि ब्राह्मणों को वोट तो मिला कि मिला, नहीं मिला वो तो बात है। जो हमारा वोट था, वेस्ट वोट था, उन लोगों को इन लोगों ईवीएम के द्वारा हटाने का काम किया। ईवीएम की ही सब देन है, इस बात को समझिए। अभी दिल्ली के विधानसभा में एक विधायक ने ईवीएम को हैक करके दिखाया, नहीं इसके पहले भी लोगों ने कहा था, चुनाव के बाद में ईवीएम को हैक करके दिखाया गया था और उसको लोगों ने माना नहीं। जो ईवीएम का इजाद किया उसने ईवीएम पे काम नहीं कर रहे हैं, ये भारत में हो रहा है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस इस समय हो रहा है। देखिए सर, विरोध जिसका होता है ये जनता है, जनता किसी के पास में जाती है किसी के पास में नहीं जाती है। पानी की तरह होता है वो, मछली की तरह भी नहीं है कि अपने पानी की तरफ रहे, लेकिन विरोध जाहिर है उनका। जो वो लोग विरोध कर रहे हैं, बहन जी उस पर सोच रही हैं और बहन जी उस पर काम भी कर रहे हैं। बदला होगा, इस बार रण होगा और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं गांव-गांव जाकर कैडर करेंगे और फिर से माननीय काशीराम साहब जी के जन्मदिन पे लोग शपथ ले रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को फिर से सरकार लेकर आएंगे। फिर से काशीराम का दौर आएगा, लोग घर से निकलेंगे और अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए, अपने बहुजन हकों को लड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की जो नीति थी उस पर अप्लाई किया गया, लोगों ने बड़ी शिद्दत से काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो षड्यंत्र किया गया था उसको बहुजन समाज के लोगों ने समझ नहीं पाया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। रही बात कि षड्यंत्र क्या था उसको मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा। षड्यंत्र ये था कि बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार काम कर रहे थे, जनता में जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से क्या गाजीपुर बॉर्डर पे किसान मारे गए थे 750 के, पूरे देश भर में किसान मारे गए थे, उसमें से 450 से प्लस में किसान सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे। उसके बाद से पश्चिमी में जो व्यवस्था नहीं दिखा, पश्चिमी में सीट खड़ी गई, जो पूर्वांचल में हुआ पूर्वांचल में सीधे सीधे षड्यंत्र किया गया है और षड्यंत्र ईवीएम के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये जो सिस्टम था। लेकिन कई चीजें कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को 1% वोट भी नहीं मिला और सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मण सम्मेलन से शुरुआत की गई और ब्राह्मणों का ही बोलबाला उधर रहा, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा पे हाथ में भाग दो। हम लोग 22% है इस देश में, दलित समाज 22% आता है और ब्राह्मण समाज भी 20% है, उसका प्रश्न नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात बताइए कि ब्राह्मणों को वोट तो मिला कि मिला, नहीं मिला वो तो बात है। जो हमारा वोट था, वेस्ट वोट था, उन लोगों को इन लोगों ईवीएम के द्वारा हटाने का काम किया। ईवीएम की ही सब देन है, इस बात को समझिए। अभी दिल्ली के विधानसभा में एक विधायक ने ईवीएम को हैक करके दिखाया था। ईवीएम का चिन्ह जो है ये चुनाव नतीजों के बाद ही क्यों निकलता है? नहीं, इसके पहले भी लोगों ने कहा था, चुनाव के बाद में ईवीएम को हैक करके दिखाया गया था और उसको लोगों ने माना नहीं। जो ईवीएम का इजाद किया उसने ईवीएम पे काम नहीं कर रहे हैं, ये भारत में हो रहा है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस इस समय हो रहा है। इससे निपटने की कोई रणनीति बनाई है क्या? लगता है बसपा को बनानी चाहिए इससे निपटने के लिए। जी बिल्कुल, बसपा ने इस पर रणनीति बनाई है और बहन जी ने कहा है कि अब रण होगा, अब इस पर हम लोग मतलब प्रदर्शन करेंगे रोड पे उतर के। क्या लगता है कि गठबंधन कर लेना चाहिए था? जो गठबंधन था, गठबंधन हम लोगों ने एक बार किया था, उसका नतीजा मिला हम लोगों को। गठबंधन की बात रही तो नेताओं ने हमारा जो काम किया बड़ी सोच समझ के किया था, लेकिन कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र था वो हावी रह गया। सर एक बात समझिए इस बात को कि जब इस देश में किसान परेशान था, युवा परेशान था, बलात्कार की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, गाँव परिवार में जो उत्तर प्रदेश में आता है तो खास करके लोग किसानी करते हैं, वहाँ पर और कोई रोजगार नहीं है। हमारी जो समाज की माताएं बहन आती है खास करके जो मतलब 85% की, उनका कटिया बीनिया पे करता है, लेकिन उनको घर से निकलने दिया नहीं दिया गया, कोई रोजगार नहीं था। तो सब लोग बसपा को वोट किए हैं, अपने पार्टी को वोट किए हैं, लेकिन वोट कहाँ चला गया ये पता नहीं है। ईवीएम को हम लोगों ने वोट दिया और ईवीएम किसको वोट दिया ये पता नहीं चल पाया, ये चीज़ है। नहीं, बसपा की सारी रणनीति सही थी, बसपा ने सोचा हिता सोचा सुखा के लिए काम किया, सरकार में जब आई तो बहन जी ने सबके लिए काम किया, इसमें कोई छुपा नहीं है किसी से, जग जाहिर है। और बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है वो समतामूलक समाज की नीति है। अभी आप देख रहे हैं कि एक
इसी फरवरी में एक पेपर की कटिंग आई थी कि जो यहाँ का जज वो बोल रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर कोई हिंद करेगा तो हम उसको समर्थन करेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं और तमाम एक मतलब एक विरोध खड़ा हो गया है बीएसपी को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, विरोध जिसका होता है ये जनता है, जनता किसी के पास में जाती है किसी के पास में नहीं जाती है। पानी की तरह होता है, वो मछली की तरह भी नहीं है कि अपने पानी की तरफ रहे, लेकिन विरोध जाहिर है उनका, जो वो लोग विरोध कर रहे हैं, बहन जी उस पर सोच रही हैं और बहन जी उस पर काम भी कर रहे हैं। बदला होगा, इस बार रण होगा और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं गाँव गाँव जाकर कैडर करेंगे और फिर से माननीय काशीराम साहब जी के जन्मदिन पर लोग शपथ ले रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को फिर से सरकार लेकर आएंगे। फिर से काशीराम का दौर आएगा, लोग घर से निकलेंगे और अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए, अपने बहुजन घाक हुकूक लड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे। प्रशांत भाई, लोग ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना रखा है लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से वो गायब रहे। ये वही लोग कह रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की पहले विरोध कर रहे थे। इसके पहले भी आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया था लेकिन यही लोग उनका विरोध नहीं कर रहे थे। अब आप समझते हैं सर कि जिसकी भी मतलब पोजीशन होती है उसको लोग सलाम करते हैं। अब कुछ लोगों का ऐसा लग गया कि नहीं, बसपा खत्म हो रही है तो विरोध में हम लोग उतर जाए ताकि हम लोग कुछ बात बने, तो बनने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद वो शख्स है जो बहन कुमारी मायावती जो जिस समय बहुजन समाज के लोग घर से नहीं निकल पाते थे, झंडा नहीं नीला झंडा नहीं लगाते थे, उस समय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने घर के चौखट को लात मारा और समाज की सेवा करने का काम किया और आकाश आनंद उन्हीं के छत्रछाया में पला हुआ वो शख्स है। आने वाले वक्त में यकीनन बहुजन समाज की विरासत को, बहुजन समाज के हक और हकूक को और हमारी माताओं बहनों के रक्षा के लिए और हमारे रक्षा के लिए बहुजन समाज को एक करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके समस्याओं का निदान करेंगे और हमारे फोरचम को लाने का काम करेंगे। अभी जो डैमेज दिख रहा है बसपा में उसको कंट्रोल करने के लिए आकाश आनंद का मतलब फ्रंट पर आना जरूरी है? नहीं, जरूरी हो गया है। मैं अगर मेरी बात अगर बहन जी तक जाती है, आकाश भाई तक जाती है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आपको उतरना पड़ेगा रोड में लोगों के साथ, अपने जो हमारे बहन बेटियों के साथ जो जुर्म जाती की जा रही है उनके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जो भी युवा है, हमारी बहनें हैं, खास करके बहुजन समाज पार्टी में जो हमारी माताएं बहनें हैं जो संघर्ष कर रही हैं, उनको फ्रंट पे लाना पड़ेगा और उनकी समस्याओं के साथ जुड़ के जो देश में जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिस तरह से हमारे समाज पे शोषित समाज पे जिस तरह से लाठियां बरसाई जा रही है, उनको कुकर्म उनके साथ हो रहा है और हमारे हक अधिकार खाए जा रहे हैं, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और खास करके जो देश में चिन्हित युवा लड़के हैं जो बहुजन समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं बिना स्वार्थ के, उनको पोजीशन देना पड़ेगा और उनके अपने दल में ला के उनके एक क्रमबद्ध तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। क्या कहेंगे अब आगे जो बसपा की रणनीति, क्योंकि अभी 2 साल का वक्त और है, 24 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या सुधार करना चाहिए, क्या सुधार की गुंजाइश है? सुधार बस यही करना है कि फिर से बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की नीति को अपनाते हुए स्वर समाज के लिए हम लोग कोई बुरा नहीं करेंगे, बहुजन समाज पार्टी बुरा नहीं करती है, स्वर समाज पे भी काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो भूखा है उसका पेट भरने का काम करेंगे और बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बहन जी तक बात अपनी पहुँचा पाते हैं, बहन जी से अपील करें और बहन जी खुद इस पर एक्शन लें और उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी के एक दायरे में लाके, एक तंत्र में लाके बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने का जो साधन है, संसाधन है और एक क्रमबद्ध तरीके से सुझाव है, उसको देने का काम करें। यकीनन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है परिणाम अलग होगा। इतनी आज यहाँ भीड़ आई है जी, उससे लगता है कि अभी भी बसपा पर विश्वास है लोगों? बहुजन समाज पार्टी साहब काशीराम ने खड़ा किया था और साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी को साहब काशी अगर काशीराम भी खत्म करना चाहे तो पार्टी नहीं खत्म होगी। तो यकीन मानिए कि बहुजन समाज पार्टी को साहब काशीराम ने खड़ा किया, जो अपने प्राणों की बलि देकर हमारे समाज को सींचने का काम किया। साहब काशीराम की सबसे बड़ी चेली कहा जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन जी पर हमारा विश्वास है, हमारे समाज का विश्वास है। ईवीएम जो मशीनी का दुरुपयोग करके और खास करके इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज भूखा हो चुका था। 2 साल से हमारे समाज के लोगों को काम करने से मजबूर कर दिया गया था। तेल नून नमक जो था व्यवस्था था, 5 किलो राशन का सामान घर पे पहुंचा देते थे ये लोग। हमारे समाज के लोग भावुक हो गए और
कुछ ना कुछ परिणाम उसका भी निकला। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक और भी माहौल बना दिया था कि जो धर्म किसे लेकर था कि जिसका नमक खाएंगे उसके नमक हलाली नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि वो नमक आ भी का था। तो उस बात को इस बार सोचेंगे और बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत करने का काम करके सिर्फ और सिर्फ साहब कांसीराम के विचारधारे पर चलने का इस समय का जरूरत है। 2022 में परिणाम बहुजन समाज के हक में होगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।